स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन यानी कि LSR न्यू दिल्ली के बारे में कि कैसा कॉलेज है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, प्लेसमेंट कैसा है इनका, कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर करते हैं, फीस कितनी है, कैंपस एरिया कैसा है, कैंपस लाइफ कैसा है, कॉलेज इवेंट कौन कौन सी होती है, हॉस्टल है कि नहीं, हॉस्टल है तो मैस कैसी है, सारा क्वेश्चन के एक ओवरव्यू आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें से शुरू कर लेते हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आती है। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1956 में। पांचवा इनको स्थान मिला है दिल्ली इन आर्ट सोशल साइंस कॉमर्स एंड जर्नलिज्म कॉलेज में। साथ ही कॉलेज ऑफर की करती है 16 कोर्सेज, कंसिस्ट करती है 150 फैकल्टी, 2000 स्टूडेंट है इनके पास और लगभग 12 एकड़ में फैली हुई है। LSR रैंकिंग की बात करूँ तो स्कोर करता है स्टूडेंट एकेडमिक और एम्प्लॉयबिलिटी में 93.8 इनको मिली है रैंकिंग, बेस्ट अमॉन्ग द टॉप नॉच कॉलेज इन इंडिया में। साथ ही NIRF की रैंकिंग की बात करूँ तो 9th स्टैंड से इनको 7th स्थान मिल गया है। अपने आप को राइज कर रहे हैं ये कुछ पिछले सालों में। ग्राफ देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे इनकी रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर LSR कॉलेज की कैंपस एरिया की बात करूँ तो लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन लोकेटेड है न्यू दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट एलाइट एरिया में जैसे लाजपत नगर। स्टूडेंट एट LSR गेट एंजॉय लिबरेटेड फ्रेंडली और ग्रीन एनवायरनमेंट आपको मिलेगा यानी कि आइडियल एनवायरनमेंट स्क्रूटनी मिलेगा। अलोंग द फुल फर्निश्ड क्लासरूम कॉलेज हैज द वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स एरिया है इनके पास, मेडिकल फैसिलिटी है इनके पास। साथ ही आपको मदर डेयरी मिल जाएंगे, PNB बैंक मिल जाएंगे, बुक शॉप, स्टेशनरी शॉप मिल जाएंगे आपको, बिगेस्ट ऑडिटोरियम और एम्फी थिएटर मिल जाएंगे विद इन द 12 एकड़ में फैली हुई है। साथ ही आपको बताऊं LSR एडमिशन एंड कट ऑफ की तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं लेकिन सीट्स इनके पास लिमिटेड है जो कि 2000 है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सिक्योर करती है एक स्मूथ एडमिशन प्रोसीड्योर। साथ ही जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आती है सेंट्रलाइज आती है तो इनको जो कट ऑफ जो रिलीज की जाती है वो www.du.ac.in पे रिलीज की जाती है। अगर बात करूँ हर साल तो लास्ट वीक जुलाई के कॉलेज रिलीज कर देती है अपना पहला कट ऑफ लिस्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, जनरली ये डेट्स हैं, लेकिन COVID-19 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही आपको बताऊँ जून और जुलाई में तो स्टूडेंट को दिल्ली में ही रहना चाहिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.isr.edu.in पे जाके आप अपना स्टेटस कट ऑफ की देख सकते हो। साथ ही आपको बताऊँ प्लेसमेंट की तो डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, ग्रूम करती है स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज फॉर गेटिंग बेस्ट रिक्वायरमेंट इन द टॉप नोच कंपनीज में जैसे बैनिको, IDC Insight, बैंक ऑफ अमेरिका, मैकेंसी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इंडियन एक्सप्रेस, टावर वॉटसन, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और बहुत सारा टॉप कोर्सेज जो कि प्रोवाइड करती है 100% प्लेसमेंट। उसमें BSc ऑनर्स हो गया इनका इन स्टेट, BA ऑनर्स हो गया इन इकोनॉमिक्स, BCom ऑनर्स हो गया। LSR इंटर्नशिप भी ऑफर करती है स्टूडेंट के लिए, 2 मंथ के लिए इंटर्न करती है बिग कंपनी में जैसे JSW और EY हो गया। अगर बात करूँ टॉप रिक्रूटर की ग्राफ की तो देखो आप अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊँ तो 59% BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स को मिली है प्लेसमेंट, 23% BCom ऑनर्स को मिली है, 10% BSc ऑनर्स को मिली है इन स्टेट, 8% BA ऑनर्स इंग्लिश और जर्नलिज्म को मिली है। तो इनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छी है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पूरी तरह ग्राफ। अब बात करते हैं LSR कॉलेज कोर्सेज जो ऑफर ये करते हैं। LSR ऑफर करती है ऑनर्स कोर्सेज इन आर्ट साइंस सोशल साइंस कॉमर्स एज वेल एज इन साइंस में भी ये ऑफर करते हैं। कॉलेज ऑल्सो ऑफर करती है प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बैचलर इन इंग्लिश जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आपको बताऊँ BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की तो लेडी श्रीराम इज हाईली कॉम्पिटेड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फैकल्टी इकोनॉमिक थ्योरी और एनालिसिस में। साथ ही 5 क्लब्स ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है इनके पास जो कि ऑर्गेनाइज करती है यूजफुल सेशन वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट। BA ऑनर्स इकोनॉमिक बेस्ट कोर्स प्रोवाइड की जाती है LSR के द्वारा, लगभग 60% स्टूडेंट गेट रिक्रूटेड टू द बेस्ट कंपनीज। साथ ही इनका जो हाईएस्ट पैकेज गई है 2019 में 39 लाख का गई है बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जो कि ग्लोबल अफेयर्स थे। BSc ऑनर्स स्टेट लेडी श्रीराम कॉलेज फोकस करती है एक्सपांडिंग रोल ऑफ स्टैटिस्टिक इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे। स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड ट्रेनिंग एक्योर करती है टूल लाइक स्टैटिस्टिक मेथड से, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग फाइनेंस से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से इनको समझाया जाता है। साथ ही आपको बताऊं LSR BA ऑनर्स इंग्लिश की तो स्टूडेंट एक्सप्लोर करती है वर्ल्ड लिटरेचर और लिवलीहुड मोस्ट इंटरेक्टिव प्रोफेसर के द्वारा। स्टूडेंट इन इंग्लिश डिपार्टमेंट एट LSR इनकरेज की जाती है फॉर द प्रिसेप्शन एंड ट्रेनिंग टू बैलेंस द एक्सप्रेशन
राइट ऑप्शन में। साथ ही LSR कॉलेज ऑफर करती है ऑनर्स कोर्सेस लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स भी प्रोवाइड कर दी जाती है बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर से। साथ ही आपको बताऊं LSR फैसिलिटीज की, तो LSR के पास लाइब्रेरी है जिसके पास 1.5 लाख बुक्स है, NLIST अकाउंट हैविंग मोर देन मिलियंस पेड बुक्स है इनके पास, बच्चों के लिए फ्री है वो चीज, कंप्यूटर है इनके पास, इंटरनेट कनेक्शन है, रिसर्च के लिए OPAC सिस्टम है लाइब्रेरी में, हॉस्टल की बात करो हॉस्टल सर्विस उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि UGC स्टूडेंट है जो कि आउटसाइड स्टेशन से आते हैं, 300 सीट्स का लमसम अकोमोडेशन है। टोटल नंबर ऑफ अकोमोडेशन की बात करूँ तो डिपार्टमेंट के आधार पर इनमें डिवाइड है, 2 से 4 पीपल पर डिपार्टमेंट रूम को मिल सकती है उसमें। LSR रूम्स की जो हॉस्टल की जो अप्रोक्सीमेट है वो 60,000 के लमसम जाती है फीस। अगर बात करूँ काउंसलिंग सेल्स की तो लेडी श्रीराम कॉलेज इनके पास खुद का काउंसलिंग सेल है, डिवाइडेड इनटू 2 काउंसलिंग है इनके पास, पर्सनल काउंसलिंग साथ ही करियर काउंसलिंग। अगर मैं बात बताऊं पर्सनल काउंसलिंग तो हर वीक में एक बार विजिट करती है कॉलेज को, बच्चों से इंटरेक्ट करती है साइकोलॉजिकली इमोशनली। साथ ही जो करियर काउंसलिंग है वो एडमिशन के टाइम में आपको दिखेंगे बहुत अच्छा से एडमिशन प्रोसीजर को करने के लिए। अगर मैं बताऊं फीस की तो BA ऑनर्स की 15,870 रुपए जाती है, MA के लिए 17,976, BCom ऑनर्स के लिए 19,860, BEIED के लिए 19,530 के लिए समझाती है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पूरी फीस डिटेल। अगर मैं बताऊं थोड़ा एडमिशन प्रोसेस की तो लेडी श्रीराम कॉलेज वुमेन जो कि ऑफर करती है 31 स्पेशलाइजेशन अक्रॉस 6 कोर्सेज में, BA जनरल, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BEIED, MA। कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ता है बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन। साथ ही इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, अबाउट 97% रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बहुत हाई रहता है यहाँ पे। अगर बताऊं BA जनरल एंड BCom ऑनर्स के लिए तो कैंडिडेट नीड्स टू हैव पास 10+2 स्कोरिंग मार्क्स, साथ ही आपको कट ऑफ रिक्वायरमेंट पास करना पड़ेगा। BA ऑनर्स के लिए आपको 10+2 पास करना है, रिक्वायर्ड मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। साथ ही एक और आपको बात बता दूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट व क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी पूछ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हम पहुंच पाएं हर एक स्टूडेंट को जिनको कंसल्टिंग का रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं BSc ऑनर्स के लिए तो आपको 10+2 पास होना पड़ेगा इन द साइंस स्ट्रीम से। LSR प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BEIED कोर्सेज के लिए 4-ईयर कोर्सेज है, कैंडिडेट को 10+2 पास करने पड़ेंगे सेंट्रल एजुकेशन। साथ ही आपको बताऊं कॉलेज बहुत अच्छा प्लेसमेंट देती है यार, 100 कंपनीज आई थी लमसम, ये 2019 की रिकॉर्ड है। जो हाईएस्ट पैकेज जाती है वो 7.5 लाख के लमसम जाती है, एवरेज 3.78 लाख के लमसम जाती है। LSR वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, साथ ही UGC से अप्रूव्ड है, ये A+ ग्रेड इनको मिली है NAAC के द्वारा, 5th बेस्ट कॉलेज है कंट्री में NIRF के द्वारा, ये LSR गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एफिलेट की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉलेज एड्योर करती है, एकॉम्पनीज करती है गुड फैकल्टी मेंबर 128 इन ऑल ऑफ देम, 81 PhD होल्डर्स हैं, बहुत अच्छा इनका एक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पे। ओवरव्यू जान लेते हैं एडमिशन हाईलाइट की, तो मैं बताऊंगा इंस्टीट्यूट जो है वो टाइप है गवर्नमेंट एफिलिएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ऑफलाइन होती है, एंट्रेंस एग्जाम जो होती है वो BEIED के लिए होती है, गिवन की जाती है CIE के द्वारा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर बताऊं BA ऑनर्स एडमिशन प्रोसेस की तो पूरी तरह जो प्रोसेस है वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितनी आपको ड्यूरेशन है, स्पेशलाइजेशन कितनी है, फिर भी 10 स्पेशलाइजेशन आपको BA ऑनर्स में मिल जाएंगे, 10+2 आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मेरिट लिस्ट आपको बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे। मैं बताऊं BA ऑनर्स की कट ऑफ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन 2019 में जो गई है, इंग्लिश के लिए 97.75 गई है, हिंदी के लिए 96 गई है, हिस्ट्री के लिए 97 गई है, तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। अगर बताऊं BSc ऑनर्स के लिए एडमिशन के लिए तो आपको BSc ऑनर्स के लिए कोर्सेज के लिए 2 स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पूरी डिटेल्स, ड्यूरेशन 3 साल की होती है, कॉमर्स स्पेशलाइजेशन होती है, एलिजिबिलिटी 10+2 होती है। अगर BCom ऑनर्स एडमिशन की बात करूं तो BCom के लिए 10+2 आपको करने पड़ेंगे, कट ऑफ जो परसेंटेज आती है कॉमन 98 के लमसम जाती है, तो मैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा कट ऑफ इनकी बहुत हाई जाती है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। अगर LSR BEIED की बात करूं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज करती है CIE के द्वारा, 10+2 आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर बताऊं LSR MA एडमिशन के लिए तो 2 ईयर्स की कोर्स है, 9 स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
कोर्सेज के आधार पे वेराय करती है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पूरी तरह आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो कॉलेज ऑफ लेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो सिलेक्शन राउंड और मेरिट लिस्ट होती है, उसमें आपको क्लियर करने पड़ेंगे। 60% जनरली मार्क्स होनी चाहिए आपके। यदि दूसरे कोर्सेज में बताऊँ तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो की करवाती है। लगभग 50% या 40% मार्क्स होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट के लिए। यदि आउटसाइड आप हैं तो आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। अगर बताऊं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। हॉस्टल की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि यूजीसी से जो आ रहे हैं उन्हीं के लिए हॉस्टल है, जो कि आउटसाइड स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं हॉस्टल। 68,500 के लगभग ईयरली इनकी फीस है हॉस्टल की। 300 सीट्स हैं अवेलेबल है हॉस्टल एकोमोडेशन में। डिफरेंट फीस है सिंगल ऑक्यूपेशन और डबल ऑक्यूपेशन रूम्स के लिए। सब कुछ जो आधार है उसमें यूजीसी के गाइडलाइन के आधार पे ही होती है। सिंगल ऑक्यूपेशन रूम जो है वो जनरली दी जाती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अगर कॉलेज इवेंट्स की बात करूं तो कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा फन है। रेगुलर इवेंट्स यहाँ पे होती रहती है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको इवेंट अच्छे लगते हैं तो आपको यहाँ पे भरपूर मिलेंगे। कॉलेज जो है वो इवेंट्स को बड़ा सीरियसली लेती है, हर इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है कॉलेज के द्वारा, कॉलेज के कमेटी के मेंबर के द्वारा ही इवेंट्स भी प्रिपेयर की जाती है। तो ये थी लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन यानी कि LSR न्यू दिल्ली की रिव्यूज। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी या कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। हम आपको फिर बता देते हैं, नीचे कमेंट में हमने ये भी देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि फॉर एडमिशन कॉल आस आपको हम स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, कहीं भी ऐसे ब्रोकर के पास ना जाएं। वो सिर्फ एक ब्रोकर हैं, वो आपको फ़ोन करवाएंगे, बोलेंगे कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, वहाँ पे एडमिशन ले लो, ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, आप ऐसे चक्करों में मत पड़ना। अगर आपको कोई कंसल्टिंग है या कोई आपका क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें ताकि हम पहुंच पाए हर स्टूडेंट के पास और साथ ही हम अपना कंसल्टिंग को भी बढ़ा सके। धन्यवाद।